मुआशरे की तश्कील व तामीर में औरत एक खास मकाम रखती है। औरत के बगैर मुआशरे का किसी भी शोबे में तरक्की करना मुमकिन नहीं। सकाफती, इक्तसादी, मुआशरती, तालीमी और अखलाकी मुआशरे के हर पहलू के इस्तेहकाम में औरत का मरकजी किरदार है। औरत एक बेहतरीन माँ, बावकार बहन, हम कदम शरीक हयात, डॉक्टर, नर्स, वकील, पुलिस ऑफिसर, काबिल उस्ताद और मुफीद शहरी की हैसियत से मुआशरती तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। और इसके अलावा मकामी, सूबाई और मरकजी सतह पर सियासी शराकत के जरिए माशरे की फलाह व बहबूद की भरपूर जिम्मेदारी भी निभा रही है। इस्लाम में औरत को दिए गए माशरती मकाम से इनकार नहीं किया जा सकता। औरत के बारे में गुज़श्ता तहजीबों की खराफात को उस वक्त कारी ज़रब लगी जब मजहब इस्लाम ने मर्द और औरत के हुकूक के बारे में अहकाम जारी किए। पाकिस्तान में भी औरतों के हुकूक और माशरे में उनकी नुमाइंदगी के हिस्से को तसल्ली बख्श बनाने के लिए काफी पॉलिसियाँ बनाई जाती रही। 2002 में होने वाले इंतखाबात में सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबलियों में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाई गई। पाकिस्तान के लिए ये बात काबिल फख्र है कि यहाँ खवातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखा रही हैं। मगर उनके मसाइब भी बेपनाह हैं। खवातीन की जिंदगियों के फैसले उनके अहले खाना करते हैं। उनके लिए इक्तसादी तौर पर आजादाना करियर चुनने के भी बहुत कम मौके होते हैं। औरत के इक्तसादी हुकूक का फैसला उनके घर के मर्द अरकान करते हैं, जबकि घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ पाकिस्तानी खवातीन फैक्ट्रियों, ईंटों के भट्टों और खेतों में भी काम करती हैं। मगर इसके बावजूद भी हमारे माशरे में ऐसी खवातीन की कमी नहीं है जो तमाम तर मुश्किलात होने के बाद भी माशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार बखूबी अदा कर रही हैं। बानिए पाकिस्तान की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिना ने फौजी आमिर अयूब खान के मुकाबले में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली वजीर आजम मुंतखब हुई जो किसी भी मुसलमान मुल्क में इस ओहदे तक पहुँचने वाली पहली खातून थी। मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की तामीर के लिए मुहिम चलाई और तशद्दुद पसंदों की नफरत का निशाना बनी, मगर अपनी कोशिशों के बदले नोबेल इनाम हासिल किया। शर्मीन उबैद चिनाई ने फिल्मों की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ऑस्कर अवार्ड की हकदार करार पाई। निगहत दाद को साइबर सिक्योरिटी के शोबे में अपनी सरगर्मियों की बदौलत हॉलैंड की हुकूमत ने इंसानी हुकूक ट्यूलिप अवार्ड जैसे बैन अलाक्वामी एजाज से नवाजा। पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन सरकारी और गैर सरकारी शोबों में सरगर्म अमल हैं। हाल ही में लाहौर में पहली बार खवातीन थानेदार तायुनात करने का भी फैसला हुआ है और इस मकसद के लिए 5 खवातीन ऑफिसर्स को SHOship का कोर्स करवाया जा रहा है। लाहौर में ही खवातीन को गाड़ी, स्कूटी और साइकिल चलाते हुए भी देखा गया है, जिससे महसूस ये होता है कि पाकिस्तान में अब खवातीन घरेलू अमूर के साथ साथ माशरती अमूर भी अंजाम देने में पूरे एतमाद नजर आती हैं, जो माशरे में पाए जाने वाले सिन्फी अदम मुसावात की हौसला शिकनी का बाइस है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल, मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। आज हम वक्त स्पेशल की टीम लाहौर पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह पहुंची है, जहां पर कुछ खवातीन अहलकारों की ट्रेनिंग की जा रही है। पुलिस के आला अफसरान इसमें मौजूद हैं और दीगर इदारे उनके भी अफसरान यहां पर मौजूद हैं जो इनकी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग किस हवाले से की जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे पुलिस के अफसरान से और जो यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं। इन खवातीन की जानिब से आला पुलिस हुकाम को दरख्वास्त दी गई थी कि इनको बतौर सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में तैनात किया जाए। इस हवाले से इनकी ट्रेनिंग का अमल जारी है, क्या इन खवातीन के लगने से पुलिस निज़ाम में कोई बेहतरी वाकई होगी, ये इस हवाले से हम आला जो पुलिस अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम अंदर चलते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, वो जगह दिखाते हैं और ट्रेनिंग किस तरह की जा रही है इस हवाले से भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। चलते हैं अंदर जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस क्लासरूम में मौजूद हूँ जहाँ पर कोर्स के हवाले से सेशन चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि सेशन में किस तरह के यहाँ पर जो पुलिस एहलकार फीमेल्स और मेल बैठे हैं उनको किस तरह से गाइड किया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है।
नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त कुछ ख़वातीन अहलकार मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है जिस ट्रेनिंग में हम अभी जाकर बैठे थे, जो हमने आपको दिखाया है। सबसे पहले तो बताइएगा कि आप लोगों की सिलेक्शन कैसे हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलेक्शन हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ इसी डिपार्टमेंट से है और हम मुख्तलिफ ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसकी सिलेक्शन हमारे इसी कोर्स के हवाले से की गई थी और अब हम इस कोर्स का हिस्सा हैं। तो अभी जो ट्रेनिंग आप लोगों की चल रही है, उसमें क्या आप लोगों को बताया जा रहा है, कौन लोग ट्रेनर्स कौन है आपके, क्या बताया जाता है उनकी जानिब से? जी, इसमें ये ट्रेनिंग एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है इस ट्रेनिंग के हवाले से, और इस ट्रेनिंग में मुख्तलिफ हेड्स को कवर किया गया है, जिसमें पुलिस प्रैक्टिकल वर्क, पुलिस प्रैक्टिकल थ्योरी, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि एक बहुत हमारा इम्पोर्टेंट हेड है उसको कवर किया गया है। फिर इसमें हमें बताया गया है कि क्राइम पॉकेट के बारे में और क्राइम एनालिसिस के बारे में, और SHO की बतौर अगर SHO हमें डिप्लॉय किया जाता है तो उसके हमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या किरदार होना चाहिए और क्या किरदार होगा, हम अपने आवाम को किस हद तक इज़्ज़त जान माल की और उनकी हिफाजत कर सकेंगे और उनको किस हद तक मुतमईन कर सकेंगे, ये इसमें बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। मज़ीद इसमें ये कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के सीनियर जो बड़े तजर्बाकार ऑफिसर्स हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ जिनका शोबा जात से ताल्लुक़ है, वो आते हैं और हमें आके लेक्चर डिलीवर करते हैं, और जिसे हमें बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात दी जा रही हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें पहले नहीं पता थी और जो हमने इस ट्रेनिंग के दौरान सीखी हैं, और ये बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। और इसी तरह इसका जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है इस पूरे रिफ्रेशर कोर्स का, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हमारी जॉब के मुताबिक है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है और कितने
महीने तक जारी रहेगी। जी, ये अप्रॉक्स 3 वीक्स की ट्रेनिंग है और इसमें 9 to 5 o'clock तक ये हमारा सेशन है ट्रेनिंग का। इसमें एक एक घंटे का लेक्चर होता है, 45 मिनट्स का, 1 आवर का, फिर इसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। तो इस तरह से ये ट्रेनिंग कंटिन्यू है। तो अब एक खातून अहलकार, पुलिस अहलकार, क्या समझती हैं कि तादाद तो बहुत ज़्यादा कम है खवातीन की, आप लोगों को जब बतौर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर किसी थाने में भी तैनात किया जाता है, तो कैसे आप लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकती हैं? जी, जिस तरह हर फील्ड में ख्वातीन हैं और अब तो ग्रेजुअली ख्वातीन की तादाद बढ़ रही है इस डिपार्टमेंट में और बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है और बहुत शौक से इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर रहे हैं। और ज़्यादा अहम बात जो इस फोरम पर कहना चाह रही हूँ कि अब जो ख्वातीन हैं इस फील्ड में आ रही हैं, उनके वालदैन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी बेटियों को इस फील्ड में लाने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि अब वो चीज़ बहुत चेंज हो गई है, हालात बहुत बदल गए हैं और अब लोग पसंद करते हैं कि पुलिस फील्ड को ज्वाइन किया जाए। तो अभी आप इधर ट्रेनिंग का हिस्सा बनी हैं, तो इससे पहले किस जगह पर तैनात रही हैं, किसी पुलिस स्टेशन में आपने ड्यूटी दी है कि नहीं? जी, मैंने 8 मंथ इधर विमेन पुलिस स्टेशन में सर्व किया है। इसके अलावा मैंने 5 ईयर्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला में एज ए लॉ इंस्ट्रक्टर सर्व किया। तो डिफरेंट किस्म की मेरी वो वेरियस अपॉइंटमेंट्स हैं इस जॉब। तो कोई जिस तरह अभी आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, आपको कहीं तैनात किया जाता है, तो मुश्किलात भी पेश आएंगी, तो कैसे उनको टैकल किया जाएगा? आपको अगर किसी मेल पुलिस स्टेशन में तैनात किया जाता है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर? जी जी, बिल्कुल इसी तरह हम मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। जिस तरह हर फील्ड में ख्वातीन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं और पायलट हैं, वो मतलब इसी तरह हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में काम कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना। अगर बतौर SHO हमें डिप्लॉय किया जाता है तो हमारा मोराल बहुत अप है और हम उसी तरह ही काम करेंगे जिस तरह हम 24 आवर्स के लिए बाउंड हैं। हमें अपनी फैमिलीज़ को भी देखना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हम इस फील्ड में आए हैं और हमारा मोराल बहुत अप होगा। तो जिस तरह समझते हैं कि आप लोगों को तैनात करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये इकदाम किया जाए कि ख्वातीन अहलकार जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं या जो और भी आपकी तरह और भी हैं, उन लोगों को बतौर सब इंस्पेक्टर SHO तैनात किया जाए? जी बिल्कुल, एक ये बड़ा खुशाइन कदम है हमारे ऑफिसर्स की तरफ से कि फ़ीमेल को मौका दिया है। और पंजाब में मेरा ख्याल पहली मरतबा इतनी बड़े लेवल पर ख़वातीन को मौका दिया गया है कि वो एज़ ए SHO जनरल पुलिस स्टेशन में काम करें, और हम इसी हवाले से हमारा मोराल बहुत अप है। क्या नाम है आपका? नबीला। ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि अभी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद अगर आपको बतौर SHO सब इंस्पेक्टर किसी भी पुलिस स्टेशन में तैनात किया जाता है, क्या बेहतरी वाकई होगी? थैंक यू। जो ख़वातीन हैं वो तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबा हाई ज़िंदगी में अपने अपने काम सर अंजाम दे रही हैं। हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है और मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन, जबकि आबादी का बहुत हिस्सा इन पर मुश्तमिल है, इनको अपने हिस्से का काम करना चाहिए और करने देना चाहिए। इसलिए पुलिस इस डिपार्टमेंट की जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस डिपार्टमेंट भी अब रेशो जो है फीमेल्स का वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बहुत एजुकेटेड लड़कियाँ और बहुत अच्छी फैमिली से लड़कियाँ आ रही हैं, उनको जो है उनके हिस्से का काम, जो वो बहैसियत सब इंस्पेक्टर हैं या जिस भी रैंक पे वो हैं, उनको उस जगह पर उसके अकॉर्डिंग जो है उनको पोस्टिंग्स भी देनी चाहिए। तो ये जो ऑफिसर्स का जो कदम है वो बहुत खुश है। तो अभी SP ASP बतौर फीमेल्स पुलिस अहलकार काम कर रही हैं, तो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की तादाद तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक वुमेन पुलिस स्टेशन है, उधर अगर आप चले जाएं तो सिर्फ एक SHO DSP उस रैंक पे तो चल रहा है सिस्टम, लेकिन जो मेल पुलिस स्टेशन है उसमें अभी तक ख़वातीन सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तैनात नहीं हैं। जी, जहाँ तक बतौर SHO तो तैनात नहीं है, वो तो पंजाब लेवल पे जो है ये तो बहुत एक बड़ा एक जो है ऑफिसर्स का प्लान है जो अब आ रहा है आफ्टर इस ट्रेनिंग। लेकिन जहाँ तक ये है, PS तो सिर्फ एक ही है, वहाँ पे सर्व कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो न्यू कमर्स जो हैं सब इंस्पेक्टर, वो इन्वेस्टिगेशन विंग में वो अपने जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। अभी जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो आप इससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, इस लिहाज से कि हमें इसमें वो कोई किताबी जो लेक्चर है वो नहीं दिए जा रहे,
जो फील्ड से ऑफिसर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जो कि हमें अपने जो ज़ाती उनका एक्सपीरियंस है, जो फील्ड वर्क के दौरान उन्होंने फेसिस किए, जो हालात थे, असल में इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हमें इतना सेंसिटाइज कर देना और उसके बाद हमें फील्ड में भेजना, ताकि हम जो भी हालात पेश आएँ उन हालात के मुताबिक जो है हम चल सकें, और उन हालात को किस तरह से हमने कवर अप करना है उन हालात को हम फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी। तो फिज़िकल ट्रेनिंग भी इसका हिस्सा होगी कि नहीं? फिज़िकल ट्रेनिंग अभी हमें जिस तरह से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं अभी इस कोर्स के दौरान, जिसमें अभी आज जैसे आपने देखा हमें फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके अलावा हमें मुख्तलिफ ब्रांचेज जो हैं, CRO ब्रांच हो गई, हमारे जो ऑप्स रूम बन रहे हैं इनका विजिट जो है, सब इसके अंदर शामिल है। तो मे बी जो है ऑफिसर्स का प्लान हो को फिज़िकल ट्रेनिंग के रिलेटेड। क्या नाम है आपका? मैमुना हाशमी। मैमुना हाशमी जी, ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि बतौर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पुलिस थानों में तैनात होने से फीमेल्स के बेहतरी वाक़ होगी? जी ज़रूर, मैं ये समझती हूँ कि पहले का जो माहौल था, यहाँ सिर्फ लेडीज़ वुमेन थाने तक कि मतलब ये फीमेल का सिलसिला चल रहा था, तो उसमें सारों का यही टेंशन रहती थी कि इतनी लाहौर पूरे से एक ही वुमेन पुलिस स्टेशन था, और उसी पुलिस स्टेशन में पूरे लाहौर से जो भी रपड़ एप्लीकेशंस देनी होती थी वो एक ही थाने में, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जिनको मसला भी होता था। तो अब यह है कि जगह जगह जब फीमेल को मेल थानों में लगाया जाएगा तो इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट है ये, और काफ़ी रफ लैंग्वेज था कि पहले मेल यूज़ करते होते थे, अब फीमेल जब जाएंगी तो वो भी कुछ कंट्रोल होगी, सेटअप चेंज होगा, काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आएंगी मैं समझती हूँ इस लिहाज से। अभी जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग में किस तरह आप लोगों को गाइड किया जाता है, किस तरह ग्रूम किया जा रहा है? उस लिहाज से हमें इस तरह से गाइड किया जाता है कि एक तो वो हमें इस बात पे कर्ज करते हैं, और काफ़ी के मेल फीमेल, ये तो शुरू से ही है कि मेल फीमेल जब हमने यूनिफॉर्म पहन लिया तो हम बराबर आ गए, इक्वल हैं हम। पहले ये एक तासुब का शिकार चल रहा था सारा सिलसिला कि नहीं जी लेडीज़ जो हैं वो लेडीज़ थाने में ही रहेंगी और इस तरह से ही काम करेंगी, लेडीज़ जो हैं वो मर्दों को नहीं डील कर सकती हैं, मर्दों की एप्लीकेशंस को नहीं डील कर सकती हैं, तो आपने ये जो डिफरेंस है ये जो क्लियर करना है, जो ड्यूटी है या जो नाका वगैरह है वो नहीं, लेडीज़ नहीं लगा सकती हैं, या एक पॉइंट पर खड़ा होना, एक रोड पर खड़ा होना बहुत बड़ा इशू था, और नहीं था इतना हौसला, लेकिन इसमें था कि अब इस तरीके से वो हमें पूरी फुल ब्रीफिंग दे रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, फिर हमें प्रैक्टिकल वर्क करवा के तो वो साथ में इस तरह से कवर। जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है और आप लोगों को कहीं पे भी तैनात किया जाता है, तो उससे कितनी को बेहतरी वाकई होगी पुलिस थाने का जो सिस्टम है उसमें और लोगों से डीलिंग में? ये तो इस बारे में तो जब हम थाना जात में तैनात होंगे तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब तो हमें पब्लिक ही आपको बेहतर दे सकती है, क्योंकि वो ही ये फील करेंगे। नहीं, एक फीमेल पुलिस एहलकार, क्योंकि तमाम तर जो पुलिस स्टेशन है उसमें मेल पुलिस एहलकार तैनात हैं, SHO, सब इंस्पेक्टर, ASI, तो तादाद तो है ही नहीं फीमेल्स की। अब जब आप लोग जाके तैनात होंगे तो कितना को आप अपने तौर पर क्या समझती हैं कि ये एकदम ठीक है कि नहीं है, आप लोगों को तैनात करने से कितनी बेहतरी वाकई होगी? हमें तैनात करने से मैं समझती हूँ कि ज़ाहरी बात है, एक जब कल्चर चेंज हो गया है, जहन चेंज हो रहे हैं, सारा लिटरेचर चेंज हो रहा है, तो ज़ाहरी बात है इस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होंगी, तो अच्छा वर्क मिलेगा। जब हम में ये जज्बा है तो ऑलरेडी इसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। तो थानों में जो डिसिप्लिन की शिकायत मौसूल होती हैं ख़वातीन एहलकार जब तैनात हो जाएंगी, तो कोई फीमेल कंप्लेनेंट है तो ये इस थाने में फीमेल SHO है तो वो इजीली एक्सेस करेगी और अपना मसला बड़े आसानी से बयान कर सकती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आपने कहा कि जो फीमेल्स हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं, वो थाने से थाने जाने से ग्रेस करती हैं, तो आप लोग जब तैनात हो जाएंगी तो जिस तरह मेल बिहेवियर देखने में नज़र आता है उसी तरह आप लोग भी तो उस बिहेवियर में नहीं तब्दील हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मैंने जैसा कि मिस नबीला ने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी लॉट एज ए एडमिन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन विंग में सर्व कर रही है, फीमेल सब इंस्पेक्टर, तो उनके आने से बहुत बड़ी तब्दीली आई है, तो बड़े इस प्रोफेशन में बहुत पढ़े लिखे लोग, इन्वेस्टिगेशन की डिपार्टमेंट में फीमेल्स ये बड़ी कम है, तो इतना ज़्यादा तब्दीली देखने में नज़र नहीं आई जिस तरह होनी चाहिए। नहीं, एज ए एडमिन ऑफिसर वो काम कर रही हैं और बड़ी तब्दीली, फिर देखें जब इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसमें तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है,
तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक बड़ा पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा और हम बड़े उम्मीद हैं कि हम एक इस एस एच ओ शिप को हमने एज एस एच ओ शिप नहीं लिया, इसको एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया है। ये हमारे साथ पुलिस एहलकार मौजूद हैं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है, इनसे हमने बात की, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। इनका कहना है कि जिधर भी इनको तैनात किया जाएगा बतौर सब इंस्पेक्टर या एसएचओ, ये भरपूर तरीके से अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देंगी। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त ट्रेनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है। अच्छा, ये बताइएगा बाबर साहब कि ट्रेनिंग किस किस्म की यहाँ पे दी जा रही है, जो स्पेशली फीमेल्स यहाँ पर ट्रेनिंग में मौजूद हैं? देखें, ये आपको पता है कि लाहौर पुलिस जो है वो इस वक्त टेक्नोलॉजी एरा में दाखिल हो चुकी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट कर लिया। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये पहले से ट्रेंड लोग हैं और इन्होंने अपनी तमाम बेसिक एजुकेशन जो है वो मुकम्मल की हुई है, इनकी ट्रेनिंग्स मुकम्मल हैं। अब हम इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रूशनास कराना चाह रहे हैं ताकि जो आने वाला वक्त है वो आईटी का दौर है और आईटी के अंदर जितनी भी हमारी ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं और इसके अलावा जो इनकी ग्रूमिंग है, पर्सनल ग्रूमिंग, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है ताकि माशरे में जाके लोगों के साथ इनका तर्ज़ अमल जो है वो बेहतर हो और जो आवाम चाहते हैं बुनियादी तौर पे पुलिस से वो ये प्रॉपरली उसको। इन लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उनमें किन चीज़ों को शामिल किया जा रहा है, फिज़िकली है या फिर इनको वैसी ग्रूमिंग की जा रही है इधर इस क्लास सेशन में? देखिए जी, हम बड़े इंटरनेशनल लेवल के रिनाउंड जो स्पीकर्स हैं उनको हम बुलवा रहे हैं, जो अपने अपने इदारों के बाकमाल लोग हैं वो आके इनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और हमारे जो बड़े मायानाज एसएचओज हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंस फील्ड में उन लोगों को हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें कुछ कामयाबियाँ हासिल हुई या कुछ नाकामियाँ हुई, तो हम ये चाह रहे हैं कि अब ये जो लोग जाएँ फील्ड में तो ये उन गलतियों को ना दोहराएँ और जो कामयाब लोग हैं उनके किए हुए कामों से इस्तेफादा हासिल कर सकें। फीमेल्स एहलकारों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है तो ट्रेनिंग का क्या मकसद है, इनको बतौर किस पोस्ट पे तैनात किया जाएगा जनरल पुलिस स्टेशन में? देखिए, इनको किस पोस्ट पे तैनात किया जाएगा ये तो सीनियर ऑफिसर्स की चॉइस होगी और वो देखेंगे कि इन्हें किस पोस्ट पे तैनात करना। बेसिकली तो ये एसएचओस का ग्रूमिंग कोर्स है और लेडीज़ को इसमें शामिल किया गया है तो लगना चाहिए। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त एसपी हेडक्वार्टर आतिफ नज़ीर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएँ कि ख़वातीन की ट्रेनिंग जारी है, किस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और मकसद क्या है? इसमें बेसिकली हम लोगों ने आज से कोई हफ्ता एक पहले एक कोर्स जो है वो स्टार्ट करवाया है जिसमें तकरीबन हमारे पास कोई 70 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें ख्वातीन भी शामिल हैं और उसमें हमारे जो मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी शामिल हैं। जो बेसिक पर्पस है इस कोर्स का, उस में ये है कि इनको हम लोग फ्यूचर लीडर्स कंसिडर करते हुए इनको जो इनकी फर्दर आगे असाइनमेंट्स होंगी, जैसे किसी भी थाने में जो है वो इनको एज एसएचओ अपॉइंट किया जाएगा या इनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट किया जाएगा, तो जितने भी पेश आमदा खतरात होते हैं, जितने इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज़ को यहाँ पे डिबेट करना, उनको डिस्कस करना, मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनकी केस स्टडीज़ जो हैं वो उनको यहाँ पे जो है वो डिबेट करना और उनसे मुख्तलिफ जो नतायज हम लोगों ने हासिल किए उन के हवाले से जो है वो इन से उनको एनालाइज करवाना, तो ये सारा एक ब्लेंड है इस कोर्स में जो कि हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, हमारे सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स, जुडिशरी से हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जजेस साहिबान हैं और दूसरे तमाम वॉक ऑफ लाइफ जिससे जो लोग हैं, जो प्रोमिनेंट हैं, वो यहाँ पे आके इन्हें लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और इनके साथ इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो इनकी अभी तो लेक्चर इनको दिए जा रहे हैं क्लासरूम में, इसके बाद फिज़िकल ट्रेनिंग भी इनकी होगी कि नहीं?
लेक्चर्स जब इनके ख़त्म हो जाएंगे, यानी इस कोर्स के ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 हफ्तों में मुहित है, उसके बाद इनको इवेल्यूएट किया जाएगा और इवेल्यूएशन के बाद इनको फिर इंटरव्यू करने के बाद इनको फर्दर जो फ्यूचर असाइनमेंट्स हैं वो इनको असाइन की जाएंगे। अच्छा, ख़वातीन की तादाद वैसे भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट में देखा जाए तो बहुत कम है, अब इनको यहाँ पर कोर्स कराया जा रहा है, इनकी भी तादाद 4 से 5 है, तो मज़ीद ख़वातीन को भी कोर्स करवा के इसी तरह जनरल पुलिस स्टेशन में तैनात करने के बारे में सोचा जा रहा है कि नहीं? देखें, किसी भी खातून पुलिस ऑफिसर का किसी भी पुलिस स्टेशन में तैनाती के हवाले से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई बार मौजूद नहीं है, तो इन ख़वातीन को मेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ इंगेज करके उन को इस कोर्स में शामिल करने का जो हमारा सोल पर्पस था वो यही था कि हम लोग एक तो इस इम्प्रेशन को ज़ाइल कर सकें कि जी ख़वातीन जो हैं वो किसी तरह से मेल पुलिस ऑफिसर्स के मुकाबले काम नहीं कर सकती, और सेकंड जितना मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे इस क्लासरूम की हद तक जो है वो मेल और फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ रहा है, तो आई फील इमेंस प्लेजर टू शेयर दिस के जी उसमें ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स किसी भी तौर पे मेल पुलिस ऑफिसर से कम नहीं है, बल्कि अभी तक की जो उनकी इवेल्यूएशन है वो उनसे अच्छी चल रही है या उनके बराबर चल रही है। नहीं, लेकिन जितने भी केसेस आते हैं कत्ल का, मंशियात के और दीगर चोरी डकैती के, तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है जब एक SHO वो तल्ख जुमलों का भी तबादला देखने में नज़र आता है मुलज़िम के साथ, जब पुलिस लेडी पुलिस अहलकार जब तैनात होंगी तो वो कैसे केस को डील करेंगी? पुलिस स्टेशन के वर्किंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पुलिस स्टेशन में जब तक टीम वर्क जो है यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवेल नहीं करेगा, उस टाइम तक जो है वो थाना अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि रन नहीं किया जा सकता, तो उसमें मेल या फीमेल के होने के अलावा मैं ये समझता हूँ कि अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं, चाहे वो मेल पुलिस ऑफिसर है या फीमेल पुलिस ऑफिसर है, वो जब अपने सारे लोगों को साथ लेके चल सकता है, उनके मसाइल से भी आगाह है और उनसे काम लेने का गुर भी उसे आता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इंचार्ज मेल हो या फीमेल तो हो। इतनी लेट कैसे, क्यों, किसको ख्याल आया इतनी लेट जाके ये फैसला किया गया कि ट्रेनिंग की जाए, इनको कोर्स कराया जाए और उसके बाद मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में, जनरल पुलिस स्टेशन में तैनात किया जाए? वो पहले तो ये है कि बेटर लेट देन नेवर कम, देर आयद दुरुस्त आयद, एक तो मेरा उसमें जो ज़ाती राय है वो ये है। सेकंड, फिर मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो SHO को और उसकी टीम को फेस करने पड़ते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि अगर उन चैलेंजेस को पहले आप किसी अच्छी जगह पे बैठ के डिबेट कर लें और उनसे आप सेंसिटाइज हो जाएं कि इस तरह के खतरात या इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है आपका आउटपुट डेफिनेटली अच्छा होगा। और वैसे भी अगर डिबेट देखी जाए प्रैक्टिकल, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गैप नो डाउट थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान मौजूद होता है, लेकिन ये जो हमारी एफर्ट है ये एक्चुअली एफर्ट जो है वो शायद इसी साइड की तरफ ही इनको लेके जाएगी कि वो जो गैप है बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस उसको ना सिर्फ डिस्कस किया जाए बल्कि उसको मिनिमाइज़ किया जाए ताकि हमारी परफॉर्मेंस और हमारी आउटपुट जो है वो बेहतर हो। अच्छा, एक पुलिस स्टेशन मौजूद है लाहौर शहर में ख़वातीन के हवाले से, तो अब जब ख़वातीन यहाँ पर कोर्स कर रही हैं तो इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से सोचा जा रहा है कि और भी पुलिस स्टेशंस ख़वातीन के बनाए जाएं? जी, वो कोर्स करने के अलावा जो है उस एक पुलिस स्टेशन के अलावा भी जो है वो डेफिनेटली इस तरह की प्रपोजल्स जो हैं वो डिस्कस हो भी रही होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसमें जो मेजर चंक है जो हमारी वो फीमेल पॉपुलेशन का भी है, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम कम्यूनिटी को मज़ीद पुलिस स्टेशन जो हैं वो बना के पर्टिकुलरली फीमेल पुलिस स्टेशन जो है वो अगर उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें तो ये एक खुशाइंद कदम होगा। एनवायरनमेंट पुलिस स्टेशंस का कितना बेहतर होगा लेडी पुलिस अहलकारों के तैनात होने से? इस बैच के हवाले से या इस कोर्स के हवाले से? अगर मैं कोर्स के हवाले से और बैच के हवाले से, बतौर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर अगर तैनात किया जाता है, क्योंकि ASI से नीचे जितनी भी पुलिस अहलकार हैं वो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में तैनात हैं, एक बतौर SHO या सब इंस्पेक्टर तैनात किया जाता है,
उससे कितना एनवायरनमेंट बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ, बड़ा पॉजिटिव हूँ कि जब इस बैच में से हम लोग जो हैं वो लोगों को पोस्ट करेंगे आफ्टर कम्पटिशन ऑफ देयर कोर्स, तो एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा तासुर जो है वो ना सिर्फ थाने के उस पर वर्किंग स्टाइल पे आएगा, बल्कि जो बतौर SHO मेल या फीमेल पुलिस ऑफिसर सर्व कर रहा होगा वो खुद बड़ा कॉन्फिडेंट होगा कि यार इस तरह के चैलेंजेस, ये हम लोग वहाँ पे इसको डिबेट भी किया है, फिर इसके जो प्रॉब्लम्स हमें थे उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और टेंटेटिव जो इसके सोल्यूशंस या वे फॉरवर्ड हो सकता है वो भी हमारे जेहन में है, तो वो जब अपने इस थ्योरी को वहाँ पर जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेगा तो बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो मुतवक्के हैं। तो ये आप समझते हैं बतौर SP हेडक्वार्टर के ये कामयाब हो जाएगा? मैं अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं गुजारिश करूंगा कि वी आर क्वाइट होपफुल कि हमारा ये जो एक्सपीरियंस है जिसमें हम लोगों ने अपने इन ऑफिसर्स को इंगेज किया है ये कामयाब होगा, बल्कि हमारी ये कोशिश होगी कि इसके बाद हम लोग जो मुहर्रर्स हैं या जो दूसरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं किसी भी पुलिस स्टेशन की हद तक, उनके भी हम लोग कोर्सेज शुरू करवाएँ ताकि लोगों को किसी भी अपना इंपॉर्टेंट टास्क पे असाइन करने से पहले उसको उस हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने इश्यूज हैं उस हवाले से उसको सेंसिटाइज किया जा सके। नाज़रीन, हमारे साथ SP आतिफ नज़ीर मौजूद हैं, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से महकमे के लिए बहुत से इकदाम और प्रैक्टिकल किए जा चुके हैं। एक और इकदाम किया जा रहा है जिसमें ख़वातीन अहलकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है और बतौर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस स्टेशन में तैनात किया जाएगा। इससे अभी तो हम इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते, जब इनको तैनात कर दिया जाएगा फिर पता चलेगा कि कितना को फ़र्क पड़ा और कितना थाना कल्चर में तब्दीली वाकई हो सकी है। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और साथी मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।